जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंडियन आर्मी 10+2 TES-46 कोर्स ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी के बारे में जान लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं आपकी एज लिमिट की। तो जिन कैंडिडेट की उम्र 16.5 साल से लेकर के 19.5 साल के बीच में है वही अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2002 से लेकर के 1 जुलाई 2005 के बीच में कहीं पर भी आता है तो आप इसमें एज के अकॉर्डिंग अप्लाई करने के लिए इलिजिबल हो। इसके अलावा अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको बोला है कि ओनली दोज कैंडिडेट हुए वो पास्ट 10+2 एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट विद मिनिमम एग्रीगेट 60% मार्क्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। यानी कि कैंडिडेट वही अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने 12वीं पास कर ली है और जो 12वीं पास की है उसमें उनके पास PCM हो और PCM में आपके कम से कम 60% होने चाहिए। इसके अलावा आपको यहाँ पर बोला है कि कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड इन JEE मेंस 2021, यानी कि आपने JEE मेंस 2021 के अंदर भी पार्ट लिया हो तो उसके अकॉर्डिंग ही आप इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। अब बात करते हैं कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। आपको यहाँ पर आना है। आने पर आपको सबसे पहले यहाँ पर आपकी जो भी DOB है वो सिलेक्ट लेनी है। जैसे कि यहां पर मैं ये सिलेक्ट करता हूं, इसके बाद यहां पर आपको मंथ और इसके बाद में डे और फिर आता है जेंडर। तो आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। क्वालिफिकेशन में यहां पर आपसे कम से कम 10+2 यानी कि 12वीं मांगी है तो आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। फिर पास का ऑप्शन सिलेक्ट करना है, इसके बाद आपको अनमैरिड सिलेक्ट करना है। देन आपको चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि आप TES-10+2 के लिए एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। तो अब आपको यहां पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने लॉगिन का पेज आ जाएगा, बट आपको पहले इसमें रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे, आप चाहे तो उनको रीड कर सकते हैं। फिर आपको नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब सबसे पहले आपको चूज करना है कि अगर आपके पास आधार नंबर है या फिर इनरोलमेंट नंबर है तो यहाँ पर इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज कर लीजिए। अगर दोनों नहीं है तो यहाँ पर नन सेलेक्ट कर दीजिए। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना नेम एंटर करना है। अगर आप ऊपर आधार नंबर या इनरोलमेंट नंबर के अकॉर्डिंग जानकारी भर रहे हैं तो आपको जो आपको नाम फिलअप करना है वो नाम आपका आधार कार्ड के अंदर भी होना चाहिए और सेम नाम आपका 10वीं की मार्कशीट के अंदर भी होना चाहिए। फिर दोस्तों यहां पर आपको अपने पिताजी का नाम एंटर करना है, ये भी आपका आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। इसके बाद आपको अपनी मदर्स के नेम यहां पर एंटर करना है और आपकी DOB क्या है वो DOB यहां से आपको सिलेक्ट करनी है। पहले यहां से जो भी आपका ईयर है वो चूज कीजिए, इसके बाद यहां से मंथ और फिर डे, तो आपकी DOB आ जाएगी। इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी यहां पर एंटर करनी है और यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद आपको इन जानकारी को चेक करना है और फिर आपको नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहां पर दोस्तों आपके सामने OTP वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। आपकी ईमेल आईडी के ऊपर एक OTP गया होगा, वो OTP यहां पर आपको डालना है। डालने के बाद जो कैप्चा नीचे दिया है कैप्चा का आपको फिलअप करना है, फिर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अगर कैप्चा नहीं आता तो आप अगेन जनरेट के ऊपर क्लिक करके अपना OTP जनरेट कर सकते हो। अब यहां पर आपका नेम और कुछ जानकारी दी गई है, कुछ जानकारी भी आपको यहां पर फिलअप करनी है। जैसे कि आपका जेंडर क्या हो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस में आपको अनमैरिड सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पहले इस तरफ की जानकारी भर लेनी है। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर दिया गया है, आपकी ईमेल आईडी दी गई है। इसके अलावा अगर आपके पास आधार इनरोलमेंट नंबर है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर मैट्रिकुलेशन 10th बोर्ड चूज करना है कि आपका जो 10th का बोर्ड है वो कौन सा था। मैं यहाँ से स्टेट बोर्ड सेलेक्ट करता हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम उत्तर प्रदेश चूज कर लेते हैं। ये चूज करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th का जो सर्टिफिकेट का नंबर है वो आपको भरना होगा। अगर आपकी मार्कशीट के ऊपर सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो आप वहां पर 10th का रोल नंबर फिलअप कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहां पर आपको उसकी मार्कशीट की जो फोटोकॉपी अपलोड करनी होगी जिसका यहां पर साइज 200 KB से कम ही रहना चाहिए। इसके बाद एलिजिबल क्वालिफिकेशन में आपको 10+2 चूज करनी है क्योंकि इसमें 12वीं पास आपका होना जरूरी है। पास्ट यहां से आपको स्टेटस चूज कर लेना है और ये जो आपका डेट ऑफ इनरोलमेंट है ये आपको भरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप फ्रेशर है। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको पासवर्ड की जानकारी के अंदर उसके पहले आपको यहां पर दिया जा रहा है
सिक्योरिटी क्वेश्चन, तो आपको एक क्वेश्चन चूज करना है जो कि आपको तब काम आएगा जब आप अपना पासवर्ड भूल जाओगे और आपको उसको रिकवर करना होगा, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना होगा। तो कोई भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर चूज कर लेना है और उसका आंसर आपको यहाँ पर दे देना है, ये आंसर बस आपको याद रखना होगा। फिर यहाँ पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है, उस पासवर्ड को दोबारा से डाल करके कन्फर्म करना है और आपका पासवर्ड कुछ इस तरह का होना चाहिए जिसमें कि इंग्लिश का स्मॉल वर्ड, कैपिटल वर्ड और स्पेशल वर्ड होना जरूरी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको एंटर करके दिखाया है। फिर यहाँ पर आपने जैसे ये सब जानकारी फिलअप कर ली है, आपको एक कैप्चा कोड यहाँ पर डालना है और डालने के बाद ये सब जानकारी कन्फर्म करनी है और इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको अप्लाई से पहले अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा, तो आपको यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद आपके सामने आपकी पर्सनल डिटेल्स दी गई है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको अपडेट के ऊपर क्लिक करना है। अपडेट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आपका फोटो और सिग्नेचर जो है वो अपलोड करने के ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर आना है और आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है। उसके पहले जान लीजिए फोटो का साइज 5 से 20 KB के बीच होना चाहिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके मैं आपको यहाँ पर एक रैंडम इमेज अपलोड करके दिखाता हूँ। मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और ओपन कर लेता हूँ, तो आपका फोटो आ जाएगा। सेम तरीके से आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, आपके सिग्नेचर का साइज 5 से 10 KB के बीच में होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ से एक सिग्नेचर सिलेक्ट कर लेते हैं, आपको भी सेम तरीके से यहाँ पर अपना सिग्नेचर चूज करना होगा। तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ से ओपन करते हैं तो आपका सिग्नेचर आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर जो अन्य जानकारी है वो देखने को मिल पा रही है, आपको यहाँ पर टिक करना है। टिक करने के बाद ये जानकारी आपको कन्फर्म करनी है। फिर जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिया है, कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद मैं यहाँ पर आपको इसको फिल करके दिखाई देता हूँ। और 3 1 5 ही हमने फिल किया और उसके बाद हम यहाँ से सेव के ऊपर क्लिक करते हैं। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी जानकारी यहाँ पर सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ से ओके करना है और ओके करने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, आपको अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने न्यू इंटरफेस आ जाएगा जो कि कुछ इस प्रकार का होगा, जो कि बेसिकली आपका एलिजिबिलिटी का पेज है। यहाँ पर आपको आना है और आने पर आपको फिर से TES के सामने जो अप्लाई का लिंक है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपको मेन पेज के ऊपर ट्रांसफर किया जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे, आपको इनको एक बार चेक कर लेना है और फिर आपको नीचे आकर के कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर जैसे ही आप यहाँ से क्लिक कर दोगे तो आपके सामने यहाँ पर जो आपकी पर्सनल डिटेल्स है वो देखने को मिल पा रही है। यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा फिर से, तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको फोटो है वो सिलेक्ट करना है। इसके अलावा जो आपका सिग्नेचर है वो भी आपको यहाँ से सेम तरीके से चूज करना होगा। तो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और ओपन कर देते हैं। इसी के साथ यहाँ पर दिया जा रहा है नेशनलिटी, तो यहाँ से आपको इंडियन या फिर अदर चूज कर लेना है और फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होगा। अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो ये जानकारी आपके सेव हो जाएगी, आपके सामने अब आ जाती है कम्युनिकेशन डिटेल्स यानी कि एड्रेस की जानकारी। तो एक तरफ है आपका यहाँ पर परमानेंट एड्रेस और दूसरी तरफ है कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस। तो जो भी आपका आईडी के अनुसार एड्रेस है वो यहाँ पर आपको भरना है। अपनी स्टेट यहाँ से आपको चूज कर लेनी है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिटेक्ट कर लिया जाएगा। जैसे कि यहाँ से मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करता हूँ, इसमें यहाँ पर हम सहारनपुर सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर जो भी आपके पोस्ट ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड है वो आपको एंटर करना है और यहाँ पर हम एक रैंडम एड्रेस भी फिलअप कर देते हैं ताकि मैं आपको आगे की जानकारी समझा पाऊँ। जो भी आपके विलेज का नाम हो यहाँ पर आपको भरना होगा और ये भरने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इस तरफ अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है इसके ऊपर टिक करना है। टिक करने पर ये एड्रेस ऑटोमेटिकली इस तरफ भी आ जाएगा, आपको इसको दोबारा से भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस अब आपको यहाँ पर सिंपली सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आती है एजुकेशन डिटेल्स की जानकारी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक एक करके जानकारी भरनी है। तो यहाँ पर आपके दिया जा रहा है मार्क्स ऑब्टेंड इन PCM क्लास 12th, यानी कि जो PCM के अंदर आपके कितने मार्क्स आए थे। यहाँ पर आपको एक तरफ लिखना है कि आपको कितने मार्क्स आए थे वो यहाँ पर आपको भरना है और कितने में से आए थे वो आपको यहाँ पर भर देना है। फिर सेम तरीके से आपको केमिस्ट्री के नंबर भी यहाँ पर भरने होंगे और वो कितने में से आए थे वो आपको भरना होगा। इसी के साथ आपको मैथमेटिक्स के नंबर यहाँ पर फिलअप कर देने हैं और वो आपको कितने में से आए थे वो आपको भर देना है। तो इस प्रकार से आपकी परसेंटेज यहाँ पर आ जाएगी। ये जानकारी भरने के बाद आप यहाँ पर देखोगे एजुकेशनल डिटेल्स, जिसमें कि सबसे पहले आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है 10+2। फिर आता है एजुकेशन बोर्ड, आपने किस बोर्ड से किया वो आपको चूज करना है। स्टेट बोर्ड हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके अलावा यहाँ पर आपको जो कुछ अदर्स है उसकी जानकारी दी जा रही है। तो बेसिकली यहाँ पर है टाइप ऑफ स्कूल, तो जो भी आपका इसमें से स्कूल है वो आपको चूज करना है। अगर अदर्स है तो आपको अदर सिलेक्ट कर लेना है, अदर स्कूल नेम आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिलअप कर देते हैं। फिलअप करने के बाद नीचे देखोगे NDA कोर्स अप्लाइड फॉर पैरेलल NDA कोर्स, अगर आप करना चाहते हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। और ये सब करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है।
अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर जानकारी जानने को देखने को मिलेगी SSB डिटेल्स, तो यहाँ पर जो कि आपकी डिटेल्स ऑफ प्रीवियस SSB होने वाली है। अगर आपके पास है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। अगर आप यहाँ पर यस करोगे तो आपको यहाँ पर जो एंट्री है वो आपको चूज करनी है, लोकेशन आपको सिलेक्ट करनी होगी, और इसके अलावा यहाँ पर आपको मंथ ईयर सिलेक्ट करना है, रिजल्ट यहाँ पर आपको चूज करना होगा। बट अगर आपने नहीं किया है, पहले भाग नहीं लिया है प्रीवियस SSB के अंदर, तो आपको नो कर देना है, और नो करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होगा। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने भरी है उसका जो प्रीव्यू है वो आपके सामने आ जाएगा, जहां पर आप प्रत्येक जानकारी कंफर्म कर सकते हो, और अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो आप उसको अभी भी सही कर सकते हो। इसमें जो आपकी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है वो आपकी 9 सितंबर 2020 रात 12 बजे तक रखी गई है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सभी जानकारी जो आपको पॉइंट के रूप में दी जा रही है वो आपको चेक करनी है, और नीचे राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करने के बाद अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो आप यहाँ पर बैक टू प्रीवियस पेज के ऊपर जाकर के उसको सही कर लीजिए, नहीं तो आपको सिंपली सबमिट के ऊपर क्लिक करना है और पूरी तरीके से श्योर होकर के यहाँ से ओके कर देना है। अब जैसे ही आप ओके करोगे तो आएगा योर एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, यू हैव द ऑप्शन टू एडिट द सेम टिल क्लोजिंग डेट फ्रॉम हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जब तक लास्ट डेट नहीं निकल जाती तब तक आपके पास ऑप्शन है इस जानकारी को एडिट करने की, साइड से कर सकते हो। और दोस्तों बस इसी प्रकार से आप आपका इंडियन आर्मी TES 45 10+2 ऑनलाइन फॉर्म 2021 भर पाओगे। आई होप ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके सामने कहीं पर कोई जानकारी फिल करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इस वीडियो के लास्ट में आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बैल के आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।